यूपी बोर्ड क्लास टेंथ का हिंदी चैप्टर नंबर 13 और लास्ट चैप्टर है काव्यखंड का, जो कि श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित है। कविता है हल्दी की घाटी। इसका हम लोग इस पद्यांश का हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला पद्यांश है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़ कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, लो महान मृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। उत्तर लिखेंगे कुछ यहाँ पे कठिन शब्दों को। पहले देखेंगे मेवाड़ का, मेवाड़ केसरी का अर्थ होता है मेवाड़ का राजा राणा प्रताप। तमाशा का अर्थ होता है दृश्य, ठीक है, छोटा सा नहीं है बड़ा सा है, इसलिए तमाशा का अर्थ होता है दृश्य। कपाली का अर्थ होता है काल का स्वामी। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित है तथा ओजस्वी बाड़ी के कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है। हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है। विशेष ध्यान रखेंगे, जितने भी आगे के पद्यांश आएंगे यही संदर्भ शीर्षक के लिए प्रयुक्त होगा। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए रण कौशल का दृष्टांत वर्णन किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे, उन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के केसरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, यदि विवाह दौड़कर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो वह मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह शत्रु सेना का नेतृत्व कर रहा था, के रक्त के प्यासे हो गए हो, अर्थात राणा प्रताप का रण कौशल इतना भयानक था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मान सिंह की सेना पर रक्त पिपासु बनकर के टूट पड़े थे। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप लिए साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आदम का हो। तात्पर्य यह है कि हल्दी घाटी की युद्ध में जब शत्रु सेना का नेतृत्व करते हुए मान सिंह युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप ने मान सिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी थी। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो हल्दी घाटी के युद्ध में का दृष्टांत वर्णन हुआ है। रस यहाँ पे वीर रस है, शैली ओजपूर्ण है, छंद मुक्त और तुकांत है, अलंकार श्लेष अतिशयोक्ति पुनरुक्ति प्रकाश उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा आपको। भाव सम की बात करते हैं तो देशभक्त माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी इन पंक्तियों में ऐसा ही भाव व्यक्त किया है, बल होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज रहे, मैं जीता हूँ माता के हाथ स्वराज रहे, मैं जीता हूँ माता के हाथ स्वराज रहे। सेकंड आपका पद्यांश स्टार्ट होता है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे। पानी का अर्थ होता है जोश या प्रतिष्ठा, रण का अर्थ होता है युद्ध स्थल और चाह का अर्थ होता है लालसा। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में राणा प्रताप की युद्ध कौशल और उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार से है, उन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठा करके चेतक पर सवार होकर के युद्ध करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि माना वह अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हों, अर्थात युद्ध करते हुए राजा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा था। वह ऐसा परिक्रमी वीर था जो कि शत्रु सेना के सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय देता था, अर्थात अपनी जवानी के कारण सफलता भी प्राप्त कर रहे थे। राणा प्रताप की सेना के कुशल सैनिक राणा प्रताप का रण कौशल देख करके और भी उत्साहित होकर के युद्ध कर रहे थे, वे राणा प्रताप के पराक्रम को देख करके दुगने तिगुने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो कवि ने देश के गौरवपूर्ण इतिहास का वर्णन किया है,
रस वीर रस है, छंद मुक्त एवं तुकांत है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश श्लेष और अति संयुक्ति है, शैली ओजपूर्ण है, भाव सम्य। हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद ने भी अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से स्वदेश हित में ऐसे ही भाव व्यक्त किए हैं। उन्होंने बोला है, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुकुन असुर साहसी, अरात सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नी से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तीसरा पद्यांश है, छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से, छड़ भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का या रणचंडी जीव पसार बढ़ी। कर का मतलब होता है हाथ, रण कौशल का अर्थ होता है युद्ध भूमि की कुशलता, भीषण का अर्थ होता है भयानक, चंडी मतलब होता है दुर्गा या काली। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में राणा प्रताप के कौशलों का वर्णन किया गया है। हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में कभी राणा प्रताप के रण कौशल को देख करके चकित है। वह उसके कौशल को देखकर कहता है कि राणा प्रताप इस तरह युद्ध कर रहा है था कि वह कर रहा था कि कहीं वह शत्रु सेना के हाथ के घोड़े से हमला कर देता तो भी कहीं घोड़े से उतर के युद्ध करने लगता, उसका घोड़े से कहीं उतर करके और कहीं चढ़ करके युद्ध करनी देखने बनता था। राणा प्रताप युद्ध स्थल में अपनी तलवार से शत्रु सेना पर जिस ओर हमला कर देता था वहाँ हाहाकार मच जाता था। शत्रु सेना में इस तरह शोर मच रहा था मानो वहाँ राणा प्रताप नहीं बल्कि स्वयं महाकाली खड़ग लेकर के रक्त पीने के लिए अपनी जीव प्रसार करके बढ़ रही हो। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो राणा प्रताप की वीरता का अद्भुत वर्णन किया गया है। रस यहाँ पे वीर है, छंद की बात करते हैं तुकांत है, शैली है ओजपूर्ण, अलंकार अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाव सम की बात की जाए तो कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने भी स्वतंत्रता की खातिर ऐसे ही भाव को व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। चौथा यहाँ पे आपका पद्यांश है, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा, कट गई बेग से भू ऐसा, सोड़ित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाच से टोक दिया, जो वीर बना नव बीच एक बरछे पर उसको रोक दिया। दल का अर्थ होता है समूह, कवि का अर्थ होता है भाला, सोड़ित का अर्थ होता है रक्त या लहू। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महाराणा प्रताप के असीम पराक्रम का वर्णन किया है। कवि कहता है कि राणा प्रताप शत्रु सेना के हाथी दल पर इस भांति हमला करता था कि मानो पूर्ण वेग से भाले का वार किया गया हो। उसके वेग में हाथी दल से इस भांति लहू की धारा फूट पड़ी, जैसे मानो भाले के प्रहार से फट पड़ी हो, उसके जल का वेग पूर्ण नद सा फूट पड़ा हो। कवि कहता है, यदि कोई शत्रु राणा पर वार करने के लिए साहस करके आगे बढ़ता है तो वह केवल राणा की तिरछी निगाहों के मात्र से ही वहीं रुक जाता था। यदि कोई शत्रु सैनिक हमला भी कर देता तो राणा प्रताप उसे नभ के बीचों बीच हवा में ही अपने भाले से रोक देता था। काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं तो राणा प्रताप की वीरता का अद्भुत चित्रण हुआ है। वीर रस यहाँ पे है, छंद मुक्त अंतुकांत है, शैली ओजपूर्ण है, भाषा साहित्य कड़ी बोली है, अलंकार उपमा अनुप्रास और अतिशयोक्ति है। भाव सम्य की बात करते हैं तो महाकवि भूषण ने छात्रसाल की वीरता का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। भुजगेश की वह संगनी भुजंगनी सी, खेद खेद खाती दीन दारुण दलन के। पांचवा यहाँ पे पद्यांश है, छड़ उछल गया अरी घोड़े पर, छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर, छड़ में गिरते रुंडों से, मद मस्तक गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल बितंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से।
हरि का अर्थ होता है शत्रु, रुंड का अर्थ होता है सिर्वहीन शरीर, वितुंड का अर्थ होता है हाथी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने राणा प्रताप के शौर्य से युद्ध भूमि में फैले हाहाकार का वर्णन किया है। कवि कहता है, यदि कोई शत्रु राणा प्रताप पर हमला करने के लिए उठा भी तो वह वहीं धराशायी हो गया, अर्थात राणा प्रताप द्वारा उसके घोड़े पर ही ढेर कर दिया गया। राणा प्रताप के पराक्रम का बयान करते हुए कवि कहता है कि वह शत्रु सेना से लड़ते लड़ते कभी कभी अपने घोड़े पर खड़ा हो जाता। इस प्रकार प्रचंड शत्रुओं की विशाल दलों को वह खदेड़ खदेड़ कर उन पर हमला करता। राणा प्रताप के हमले से शत्रुओं के धड़ हाथियों की सूंड़ों के समान गिर रहे थे। हाथियां और घोड़ों के भयंकर विकलता के कारण युद्ध भूमि नर मुंडों से पटी हुई दिखाई पड़ रही थी। संदर्भ की बात करते हैं तो काव्य संदर्भ में यही लिखना है कि कवि के माध्यम से राणा प्रताप के पराक्रम का बड़ा ही ओजस्वी वर्णन किया गया है। भाषा कड़ी बोली है, रस वीर रस है, अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश और अति संयुक्त अलंकार है, शैली ओजपूर्ण है। भाव सम्यक कवि महाकवि भूषण द्वारा वीर रस का ऐसा ही वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया है, निकसत म्यान से मयूखे अलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को लागती लपटी, कंठ बैरिन के नागिनी सी, रुद्र ही रिझावें दय दय मुंड के माल को। छठा आपका पद्यांश है, ऐसा रण राड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं, छड़ छड़ आगे बढ़ता था वह पर काम कम होता था रोष नहीं, कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर ले रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी वह मुगलों का भी मान कहाँ। रण का अर्थ होता है युद्ध, रोष का अर्थ है गुस्सा या क्रोध, अभिमान का मतलब होता है घमंड। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने राणा प्रताप के द्वारा मुगल सेना के छक्के छुड़ाने का वर्णन किया है। कवि राणा प्रताप के रण कौशल के बारे में कहता है कि राणा इस तरह भयानक युद्ध करता था कि वह कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेता था। वह युद्ध भूमि जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे उसका और भी युद्ध का उत्साह बढ़ता जाता था। राणा प्रताप का कहना था कि युद्ध भूमि में मान सिंह यानी मुगल सेना का नेतृत्व करने वाला उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, अर्थात युद्ध भूमि में राणा का मुकाबला करना मान सिंह के बस की बात नहीं थी और उसके हाथों राणा का शरीर रक्त रंजित हो यह कदापि नहीं हो सकता। राणा यह पूर्ण विश्वास के साथ कहता है कि युद्ध में विजय उसकी ही होगी, यह पूर्ण निश्चय है उसके जीते जी मुगल सेना अभिमान प्रकट करे यह कदापि नहीं हो सकता। काव्य सुंदर की बात करते हैं तो कवि द्वारा राणा प्रताप के अप्रतिम शौर्य का व्याख्यान किया गया है। भाषा खड़ी बोली है, रस वीर रस है, अलंकार अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश है और तथा श्लेष अलंकार भी है, शैली ओजपूर्ण है। भाव साम्य स्वदेश के प्रति माखनलाल चतुर्वेदी ने भी ऐसी पंक्तियों का उद्धार किया है, जैसे कि लिखा है उन्होंने, बलि होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज्य रहे, मैं जीता 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 हूँ, माता के हाथ स्वराज रहे। तो यह आपका जो पद्यांश था यहीं पे कंप्लीट होता है और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।